नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अमेरिका में अश्वेत नागरिक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद भड़की हिंसा के दौरान एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अमेरिकी पुलिस प्रदर्शनकारियों के सामने घुटने पर बैठ जाती है और हिंसा कर रही भीड़ उनसे हाथ मिलाकर शांति से लौट जाती है। कुछ ऐसा ही आइडिया फिल्म डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने लोगों को दिया है। जी हाँ, थप्पड़, आर्टिकल 15 जैसी फिल्में बना चुके हैं। अनुभव सिन्हा को लगता है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर बहुत जुल्म हो रहा है और इसलिए उन्होंने ट्वीट कर लोगों को एक चैलेंज देते हुए कहा, मैं हिंदुस्तानियों को चुनौती देता हूं कि एक तारीख तय करो और देश के अल्पसंख्यकों के सामने एक घुटने पर झुक कर दिखाओ। करते हो 2 अक्टूबर को, माफी मांगते हैं इतने सालों की, ट्विटर और फेसबुक से आगे निकलो। तो उनके ट्वीट पर लोगों का गुस्सा भी भड़क उठा। ट्विटर यूजर प्रिया पांडे ने लिखा, ज्यादा झुकने का शौक है तो खुद झुक, एक क्यों, दोनों घुटनों पर झुक, एक बार नहीं दिन के 5 टाइम पर झुक। हमने तो 1000 साल गुलामी और अत्याचार सहे, लेकिन फिर भी कभी माफी की मांग नहीं की। और यहाँ लोगों को बरगलाना मत ब्लू टिक लेके। तो वहीं एक और ट्विटर यूजर ने पूछा, कश्मीरी हिंदुओं के सामने तुम एक घुटने पर झुककर माफी मांगोगे, है औकात, माफी मांगोगे इतने सालों की, तारीख तय करोगे। तो आपको बता दें कि अनुभव सिन्हा फिल्म बनाने के साथ साथ सियासी बयानबाजी भी करते रहते हैं। उनके निशाने पर ज्यादातर मोदी सरकार ही रहती है और अभी हाल ही में लॉकडाउन लगने पर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए इस सरकार को अब तक की सबसे अनाड़ी सरकार भी वो बता चुके हैं।